अच्छा खलील साहब, हमारा जो अगला सेगमेंट है इसका नाम है सीधी बात नो बकवास। तो कुछ पहेलियां हैं जो वहां स्क्रीन पे चलेंगी, आपने बूझनी है। पहेलियां बूझ लेते हैं आप इसे? नहीं बूझ रहे? सो फुलिश इन दिस रिगार्ड। अच्छा चले, कोई बात नहीं, ट्राई करके देखते हैं। जी भाई, पहली वाली कहाँ चल रही? वो कौन सी चीज है जिसे हम खाने के लिए लाते हैं लेकिन खाते नहीं है? 5, 4, 3, 2। कसम कसम कसम, बर्तन। तो इस तरह मैं पहेलियां बोलता किसी की समझ में ना आए। ये फलूक हैं सारे पहेलियां। वो मुझे मेरे बेटे ने एक दिन पूछा, कहता पापा, वो तो ही वॉज क्लास इन क्लास 2 दैट टाइम, कहता पापा एक हाथी ना चूहे के बिल में चला गया, बताइए कैसे चला गया। मैं अभी साफ करूँ, कैसे चला गया? तो कहता हार गए। मैंने कहा हार गया? कहता वो झूठ बोल रहा है। ऐसी है। वो कौन सी चीज है जो भले रहने के बावजूद चलती है? मैं बहुत बुरा हूँ भाई, मुझे नहीं, किसी से पूछो या बच्चों से पूछो। घड़ी। खलील साहब घड़ी। एक अटेम्प्ट तो करें ना। चलो भाई, तो ये बात, कई घड़ियां जो बंधी हुई नहीं होती, वो घड़ियां नहीं जो दीवार पे लगी, ये क्या बात है यार। कौन से बंदे रहने के बावजूद जो चलती है? मैं उतार देता हूँ, ये चल रही है। लो, ये कौन सी, ये कौन सी? अच्छा आखिरी आखिरी, वो क्या है जो आपके अलावा सबको परेशान करते हैं? मेरे अलावा सबको परेशान करते हैं? वो मैं ही हूँ। आप ही किए लेकिन सबको परेशान करते हैं। खलील साहब के एक्सप्रेशन वर्थ अ मिलियन डॉलर। अच्छा भाई, एक सवाल और ऑडियंस से लेंगे। जी आए ना, आप यहाँ पे आए बैठे, सवाल पूछें। दिस आई लाइक ऑफ यू, यू गिव रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चनर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम हिना मलिक है। अच्छा मुझे आपसे ये सवाल करना है सर, एक्टिंग सीखने के लिए, लाइक सिंगिंग सीखने के लिए ट्यूशन स्कूल्स वगैरह होते हैं, ऐसे ही अगर हम राइटर बनना चाहें तो इसका क्या प्रोसेस है? इसके लिए कोई ट्यूशन स्कूल्स क्यों नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है हिना का, रेलेवेंट सवाल। वो ना एक यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया गया, बल्कि 2 यूनिवर्सिटी में बुलाया गया मुझे, क्या स्क्रिप्ट राइटिंग पर। वो भी मुझे पता चला कि ये भी पढ़ाई जा सकती है, तो मैं बहुत बुरा बोल कर आया था वहाँ। देखो सबसे पहला काम जो आपने करना है ना, वो अपने अपने बारे में जानना है। उसमें कितना वक्त लगता है आई डोंट नो, वो जितनी आपकी तपस्या होती है उतनी जल्दी आप जान लेते हैं। आप पता चलाइए आपके अंदर कोई एक्टर है या आपके अंदर कोई राइटर है। जिसका मालूम पड़ता है उसी हवाले से मेहनत कीजिए, यू विल बिकम दैट। थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज हैव अ सीट। खलील साहब, एक सवाल जो मेरे जहन में है और जाने से पहले मैं पूछना चाहूंगा, काफ कंगना जब आई और आपने तब एक इंटरव्यू में बोला था कि दिस इज नॉट द टाइम, आई विल टॉक अबाउट इट लेटर, तो वो क्या हुआ? व्हाई इन योर ओपिनियन काफ कंगना वॉज नॉट एबल टू हिट द कॉर्ड्स एंड कनेक्ट विद द ऑडियंस? आज बता ही दें। नहीं ना, अभी उनके साथ मोहब्बतें चल रही हैं। जो वो क्या है कि देखा जो तीर खा के कमींगार की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। एक और मेरा शेर है, अपने दुश्मन को अभी शक की निगाहों से ना देख, अपने दुश्मन को अभी शक की निगाहों से ना देख, तेरा कातिल तो तेरा यार भी हो सकता है। तो बेसिकली जो लोग आपको लगता है कि जो हुआ था वो, आई नो देम ऑल, मैं उनके लिए दुआ करता हूं कि तो सानू भी तो दसो होया किसी, छोड़ देना यार, वो मेरे मुंह से फिर फिसल जाएगा नाम। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं आपको सही सच्ची बोल रहा हूं, क्योंकि उनके साथ वो मोहब्बतें चल रही हैं। मतलब But you're saying somebody tried to sabotage it? Oh yeah, absolutely. That was a completely sabotaged film. People from within the industry. I forgave, I didn't forgot. ठीक है भाई, माफ करना बहुत अल्लाह मियाँ की खुसूसियत है। खलील साहब, it has been a pleasure.
इतना मुझे मजा आया आपका इंटरव्यू करके, एंड एज आई सेड खलील साहब सच अ चिल्ड आउट पर्सन यार, तालियां खलील साहब के लिए, बहुत मजा आया। कोई डरने की जरूरत नहीं है भाई, जो भी आपके सवाल हैं मेरे ख्याल में आप तो ट्वीट भी करके खलील साहब से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, एज लॉन्ग एज आप तमीज के दायरे में रह के उनसे कुछ भी पूछना चाहें वो आपको सिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे। खलील साहब जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज मुझे यहाँ पे ज्वाइन करें, क्योंकि एक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जाते जाते जो आपके फैंस हैं, व्यूवर्स हैं, जो आपको देखते हैं सुनते हैं, अगर कोई पैगाम आप उन तक पहुँचाएं तो आई एम श्योर के और ज्यादा वो दिल लगा के आपको सुनेंगे और शायद अमल भी करें। व्हाट आई लर्नड इन माय लाइफ वाज, जिसमें मैं समझता हूँ शायद कि अल्लाह के हाँ कबूलियत हुई, मैंने कोई भी काम किया पूरी दयानदारी के साथ किया, मैंने गिल्ली डंडा भी पूरी ईमानदारी के साथ खेला है। तो इफ़ यू आर ऑनेस्ट इन योर प्रोफेशन और आपका ईमान है कि आपने सिर्फ वही खाना है जो कमाना है, तो खुदा नीचे उतर आता है आपकी मदद के लिए, ट्रस्ट, and that will make your life wonderful. Thank you so much Khalil sahab, once again it was absolutely an honor being with you, trust me, my pleasure. Main puri mauj mein aaya, I was not that well, lekin main puri mauj mein aaya hu tumse. Thank you so much, it will always mean so much to me. Khwatino Hazrat, the living legend Khalilur Rahman Qamar, thank you. Absolutely the best writer we have in the country. May Allah give you a long life Khalil sahab, may Allah keep you healthy, may you continue to write, entertain, educate, and stop smoking and smoke. Yeah, of course you need to stop smoking, please. On that note Khwatino Zaat, aapse jaise chahenge, thank you so much aapke pyar ka, aapke feedback ka. Inshallah agle hafte dobara aapse mulaqat hogi aapke ek aur favorite celebrity guest tak ke sath, tab tak khuda hafiz. We'll be right back.